हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब क्वारंटाइन के इस टाइम में अपने घर के भीतर ही रह रहे होंगे और अपने हाथों को बार बार साबुन से धो रहे होंगे। दोस्तों, क्वारंटाइन के इस वक्त में सबसे ज़्यादा याद अपने दोस्तों की आ रही है। आपको भी आ रही होगी। मुझे तो अपने बचपन के दोस्त बहुत याद आ रहे हैं आजकल। मैं जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की याद आती है। वो इतने इंटरेस्टिंग, इतने दिलचस्प हैं कि उनके बारे में मैंने एक कविता लिखी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस क्वारंटाइन के टाइम में वो कविता अपने सारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ शेयर करी जाए। तो कविता कुछ इस तरह है कि व्यक्ति एक विचित्र थे, नाम छछुंदर सेठ। छछुंदर सेठ, व्यक्ति एक विचित्र थे, नाम छछुंदर सेठ। 8 किलो की बाकी बॉडी, 60 किलो का पेट। 8 किलो की बाकी बॉडी, 60 किलो का पेट। और 60 किलो का पेट के उनका शेप था ऐसा, निगल गया हो चूहा जैसे पूरा भैंसा। नाप थी वो कि शर्ट कहीं ना मिल पाती थी, एक दरी कपड़े में एक ही सिल पाती थी, 2 चादर में एक पैंट ही बनवा पाते, और नॉट लगाते साड़ी में फिर टाई बनाते। खाने में रोटी दाल दही बिल्कुल ना भाए, खाने में रोटी दाल दही बिल्कुल ना भाए, मगर चॉकलेट और चिप्स इंटरेस्ट से खाएं। मम्मी लेकर ग्लास दूध का जब भी आती, प्यास कोल्ड ड्रिंक की इनके मन में जग जाती। स्कूल बेचारे जाते थे तो थक जाते थे, स्कूल बेचारे जाते थे तो थक जाते थे, पर वापस आ घर आते ही टीवी में लग जाते थे। मजाल के कोई रिमोट उनके हाथ से ले ले, मजाल के कोई रिमोट उनके हाथ से ले ले, क्रिकेट कबड्डी कुश्ती सब कुछ फोन पे खेले। स्कूल बेचारे जाते थे तो थक जाते थे, पर वापस आते ही टीवी में लग जाते थे, और मजाल के कोई रिमोट उनके हाथ से ले ले, क्रिकेट कबड्डी कुश्ती सब कुछ फोन पे खेले। एक रोज ये बैठे जब टीवी देख रहे थे तो मोटू पतलू गुंडों को यूं फेंक रहे थे। उधर एक गुंडे को मोटू ने किक मारी, इधर पेट में दर्द उठ गया इनके भारी। उधर एक गुंडे को